देश की मौजूदा हालातों पर जमीयत उलमाए हिंद ने चिंता व्यक्त की है। वहीं कई जगहों पर बुलडोजर की मदद से घरों को गिराए जाने के खिलाफ जमीयत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जमीयत के मुताबिक भाजपा शासन वाले राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है। इसी पर रोक लगाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी वादी बने हैं। इस याचिका में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा। याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को पार्टी बनाया गया है, जहां हाल के दिनों में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। याचिका एडवोकेट सारिम नवेद ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सलाह मशवरा करने के बाद तैयार की है, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कबीर दीक्षित ने इसे ऑनलाइन दाखिल किया है। अगले चंद दिनों में याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश में संविधान और कानून की सर्वोच्चता समाप्त हुई और धार्मिक सद्भाव का ताना बाना टूट गया और धर्मनिरपेक्ष संविधान को निष्क्रिय कर दिया गया तो यह बात देश के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। देश के विकास के लिए कानून और संविधान की सर्वोच्चता अति आवश्यक है।